दोस्तों, टेक्नोलॉजी के साथ ट्रैवलिंग की स्पीड भी इतनी बढ़ गई है कि अगर आपके पास पैसा है और अगर आप चाहें तो 24 घंटे में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है। हम डेली एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन हमें सभी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के नाम नहीं पता हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से फोकस करके देखेंगे तो आप सभी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के नाम जान जाएंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उनकी एक स्पेशलिटी के साथ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो व्हीकल है वो है ये। इसे हिंदी में हवाई जहाज कहते हैं और इंग्लिश में एरोप्लेन कहते हैं। इस वक्त पीपल ट्रांसपोर्टेशन का ये फास्टेस्ट व्हीकल है, जिसकी स्पीड करीब 1000 किलोमीटर पर आवर है, और ये एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लोगों को लेके जाने में हेल्प करता है। इसे हिंदी में रोगी वाहन कहते हैं और इंग्लिश में एम्बुलेंस कहते हैं। ये व्हीकल बीमार लोगों को हॉस्पिटल लेके जाने में हेल्प करता है। इसे हिंदी में वायुयान कहते हैं और इंग्लिश में एयरक्राफ्ट कहते हैं। ये भी एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर की होती है। इसे हिंदी में रिक्शा कहते हैं और इंग्लिश में ऑटो रिक्शा कहते हैं। ये नॉर्मली सिटीज में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। इसे हिंदी में मोटरसाइकिल कहते हैं और इंग्लिश में बाइक कहते हैं। ये नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के पास होती है, जिसे लोग ऑफिस या अपने शॉर्ट डिस्टेंस पर्सनल ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं। इसे हिंदी में नाव कहते हैं और इंग्लिश में बोट कहते हैं। ये पानी में चलने वाला ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। इसे हिंदी में बैलगाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में बुलॉक कार्ट कहते हैं। ये पुराने ज़माने का ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जिसमें एक कार्ट को बुलॉक से जोड़ दिया जाता है और उसमें बैठ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसे हिंदी में बस कहते हैं और इंग्लिश में भी बस ही कहते हैं। ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जिसमें 40 से 50 लोग बैठ सकते हैं और इसका किराया भी कम होता है। इसे हिंदी में कार, मोटर या गाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में कार कहते हैं। ये एक पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है, जिसमें 5 लोग या 7 लोग बैठ सकते हैं। इसे हिंदी में दमकल कहते हैं और इंग्लिश में फायर इंजन कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल आग बुझाने के सामान ले जाने में हेल्प करता है। इसे हिंदी में जीप कहते हैं और इंग्लिश में भी जीप ही कहते हैं। ये भी एक टाइप का फोर व्हीलर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। इसे हिंदी में ट्रक कहते हैं और इंग्लिश में लॉरी कहते हैं। ये गुड्स यानी किसी भी टाइप का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। सभी सिटीज में खाने पीने का सामान इस टाइप के ट्रांसपोर्ट व्हीकल के द्वारा ही पहुँचाया जाता है। इसे हिंदी में स्कूटर कहते हैं और इंग्लिश में भी स्कूटर ही कहते हैं। ये एक मोपेड टाइप का ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जिसमें गियर नहीं होते हैं। इसे हिंदी में ट्रैक्टर कहते हैं और इंग्लिश में भी ट्रैक्टर ही कहते हैं। ये नॉर्मली एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने में हेल्प करता है और इसके टायर बहुत बड़े होते हैं, जो आसानी से किसी मिट्टी में नहीं फंसते। इसे हिंदी में रेलगाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में ट्रेन कहते हैं। ये सबसे बड़ा और लंबा ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जिसमें 1 से 2 हज़ार लोग बैठ सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर 20-25 डब्बे होते हैं और एक डब्बे में करीबन 72 लोगों की सोने की सीट होती है। इसे हिंदी में वैन कहते हैं और इंग्लिश में भी वैन ही कहते हैं। ये वो व्हीकल है, जिसमें 8 से 10 लोग बैठ के कहीं जा सकते हैं। इसे हिंदी में घोड़ा गाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में हॉर्स कार्ट या टोंगा कहते हैं। ये भी एक पुराने ज़माने का ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जिसमें कार्ट को घोड़े से जोड़ देते थे और फिर उसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये बुलॉक कार्ट से फास्ट होता है, क्योंकि घोड़ा बुलॉक से ज़्यादा तेज दौड़ता है। इसे हिंदी में जलयान कहते हैं और इंग्लिश में शिप कहते हैं। ये समुद्र का ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जिसमें करीब 2 से 3 हज़ार लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये बहुत कॉस्टली होता है। इसे हिंदी में छोटी बस कहते हैं और इंग्लिश में मिनी बस कहते हैं। ये एक रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जो बस से छोटी होती है और इसमें करीब 10-15 लोग बैठ सकते हैं। इसे हिंदी में सड़क ग्रेडर कहते हैं और इंग्लिश में रोड ग्रेडर कहते हैं। ये एक टाइप का कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, जो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके सरफेस को स्मूथ और लेवल करने में हेल्प करता है। इसे हिंदी में बर्फ हल कहते हैं और इंग्लिश में स्नो प्लॉ कहते हैं। ये एक ऐसा व्हीकल है, जो बर्फ को हटाने में और दूसरी जगह शिफ्ट करने में हेल्प करता है। इसे हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं और इंग्लिश में भी डंप ट्रक ही कहते हैं। ये एक ऐसा व्हीकल है, जो बल्क मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये नॉर्मली किसी भी कंस्ट्रक्शन या डंपिंग साइट पे दिखाई देते हैं। इसे हिंदी में पहाड़ी साइकिल कहते हैं और इंग्लिश में माउंटेन बाइक कहते हैं। ये एक साइकिल के टाइप का व्हीकल है, जो यूजुअली पहाड़ी इलाकों में यूज किया जाता है। इसमें अलग अलग गियर भी होते हैं, जिन्हें चढ़ान के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं।
इसे हिंदी में एक प्रकार का मादक द्रव्य कहते हैं और इंग्लिश में साइडकार कहते हैं। ये एक टाइप का ऐसा ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसमें आप किसी बुजुर्ग इंसान को या किसी अपाहिज इंसान को बिठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसे हिंदी में ऊंट गाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में कैमल कार्ट कहते हैं। ये भी एक बुलक कार्ट और हॉर्स कार्ट की तरह का एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल का टाइप है जिसमें कैमल को यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मली गांव के इलाकों में दूर दूर जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसे हिंदी में मोटर बोट कहते हैं और इंग्लिश में भी मोटर बोट ही कहते हैं। ये एक पानी में चलने वाला ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसमें 2 से 4 लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है और ये बहुत फास्ट चलता है। इसे हिंदी में मालगाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में गुड्स ट्रेन कहते हैं। ये ट्रेन का ही एक टाइप है लेकिन ये इंसानों को नहीं बल्कि सामान को ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें 55 से 60 डब्बे होते हैं और ये बहुत लंबी होती है और इसलिए इसमें बहुत सारा सामान भेजा जाता है। इसे हिंदी में मेट्रो रेलगाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में मेट्रो ट्रेन कहते हैं। ये मेट्रो सिटीज़ में ट्रैफिक अवॉइड करने में और लोगों को जल्दी से जल्दी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने में हेल्प करती है। इसमें 4 से 8 कोचेस होते हैं और एक मेट्रो में 500 से 800 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इसे हिंदी में घिरनीदार विमान कहते हैं और इंग्लिश में हेलीकॉप्टर कहते हैं। ये एक एयर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसमें ऊपर ब्लेड होती है जो घूमती रहती है और इसमें 2 से 4 लोग ही बैठ सकते हैं। इसे हिंदी में प्रक्षेपास्त्र कहते हैं और इंग्लिश में रॉकेट कहते हैं। ये एक स्पेस ट्रैवल व्हीकल है और ये बहुत फास्ट होते हैं। इनकी स्पीड 9000 से 16000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसे हिंदी में किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में टैक्सी कहते हैं। ये एक रेंट पर चलने वाली कार होती है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 5 से 7 की होती है। इसे हिंदी में स्केटबोर्ड कहते हैं और इंग्लिश में भी स्केटबोर्ड ही कहते हैं। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसमें एक बोर्ड होता है और आगे और पीछे व्हील्स लगे होते हैं और उस बोर्ड पे खड़े रहकर आप इसे चला सकते हैं। इसे हिंदी में क्रेन कहते हैं और इंग्लिश में भी क्रेन ही कहते हैं। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसमें एक लंबा मेटल आर्म होता है और ये बहुत भारी चीज़ों को उठाने में या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। इसे हिंदी में फॉकलिफ्ट कहते हैं और इंग्लिश में भी फॉकलिफ्ट ही कहते हैं। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसमें आगे फॉक्स होते हैं जो सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। इसे हिंदी में ट्रैम ट्रेन कहते हैं और इंग्लिश में भी ट्रैम ट्रेन ही कहते हैं। ये ट्रेन का एक छोटा वर्जन है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, जो एक अर्बन ट्रैम नेटवर्क से मेन रेल नेटवर्क तक ट्रैवल करता है। इसे हिंदी में किक स्कूटर कहते हैं और इंग्लिश में भी किक स्कूटर ही कहते हैं। इसे पुश स्कूटर भी कह सकते हैं और इसे इंसान एक पैर से जमीन के थ्रू पुश करके चलाता है। ये आजकल बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। इसे हिंदी में तिपैया साइकिल कहते हैं और इंग्लिश में ट्राई साइकिल कहते हैं। ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें आगे एक व्हील होता है और पीछे 2 व्हील होते हैं जिससे आपको साइकिल से गिरने का डर नहीं रहता है। इसे हिंदी में बच्चों को घुमाने की गाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में बेबी कैरेज कहते हैं। इसे बेबी बगी भी कहते हैं और इसमें 4 व्हील्स होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे, और इसे बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जाने में यूज़ किया जाता है। और इस वीडियो में जो आखिरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो है ये। इसे हिंदी में नौका कहते हैं और इंग्लिश में याच कहते हैं। ये एक पानी में ट्रैवल करने का व्हीकल है जो नॉर्मली लोग एंजॉय करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 40 ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के नाम बताए हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि इस व्हीकल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल प्रीमेंट को और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उन्हें देखकर अपनी नॉलेज और अवेयरनेस दोनों बढ़ा सकें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।